देखो यार क्या बनाया है ब्रिज, मजा आ जाता है ऐसे ब्रिजेस को। Hi guys and welcome back to my YouTube channel NJ Vlogs. Hope you all are doing absolutely fine. और आज है November 11th, Sunday है और अभी टाइम हुआ है 4:30 AM in the morning. और इतना जल्दी अभी मैं क्यों उठाऊँ, क्योंकि मेरे को जाना है लॉन्ग राइड पे। मैं जा रहा हूँ कोलकाता, तो टोटल होने वाला है 480-490 किलोमीटर, सो अप्रॉक्स 500 किलोमीटर समझो वन वे। और अकेले कर रहा हूँ, अभी टाइम होके रखा है 4:30 AM इन द मॉर्निंग, 5 AM तक मेरे को निकल जाना है। पैकिंग वगैरह सब हो चुका है और रेडी भी मैं हो चुका हूँ, बस निकलने की देरी है। मज़ा बहुत आने वाला है इस राइड में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब कोलकाता गया था तो उसके पर भी मैंने ब्लॉग बनाया था, आई बटन में लिंक आ रही होगी, देख सकते हैं। उस टाइम हुआ क्या था, उस टाइम बारिश था और उसकी वजह से ना इतना मज़ा नहीं आया था चलाने में। बट इस टाइम वेदर बहुत अमेजिंग है, ठंडा ठंडा वेदर है और चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब बस निकलते हैं, अभी 4:30 हुआ है, 10-15 मिनट से मैं बस फुल गियर अप होके निकल जाऊँगा और अब सीधा मिलता हूँ आपसे मैं बाइक पे। गाइस मैंने स्टार्ट कर लिया, इट्स 5:11 इन द मॉर्निंग और अच्छे टाइम टाइम से मैंने स्टार्ट कर लिया। मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ क्योंकि आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया था और जल्दी उठने के बाद भी देखो टाइम से 10 मिनट लेट तो हुआ ही है, सो उतना चलता है। सो अभी मेरे बाइक में हाफ से ज़्यादा पेट्रोल है, सभी तो मेरे को पेट्रोल नहीं चाहिए, आगे भराएंगे पेट्रोल, लेकिन अभी चलते हैं फटाफट। और अभी ज़्यादा रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अंधेरा है और इतना कुछ दिखेगा नहीं आप लोग को। 5:12 हुआ है अभी, सो विद इन 1.5 आवर सनराइज हो जाएगा, देखता हूँ मैं 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर पाता हूँ। इट्स 5:35, 29 किलोमीटर्स हुआ अभी तक बस, एंड अभी कटक पहुँचने वाले हैं। पर अच्छा स्पीड है यार, आधे घंटे में घर से कटक पहुँचना सही है। अगर लास्ट टाइम जब मैं कोलकाता गया था बाइक पे, सो बारिश इतनी थी उस टाइम कि उसके वजह से मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाया था रोड से, बिल्कुल भी नहीं एंजॉय कर पाया था और बार बार रुक के खाली मेरे को अपने रेन गियर्स पहनने पड़े थे। फिर और उस दिन हो क्या रहा था, एक्चुअली बारिश हो रही थी, फिर बारिश के बाद थोड़ी देर बाद एकदम धूप हो जा रही थी, सो वो एकदम कड़ी धूप में ना रेन गियर्स में गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, तो उसकी वजह से बार बार रेन गियर्स भी उतार के रखना पड़ रहा था, फिर वापस बारिश की वजह से वापस पहन के इतना पड़ रहा था। बाप रे इतने बड़े बड़े ट्रक्स हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं ये तो। ये एरिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, यहाँ पे ना ये जो रोड है उसके लग के एकदम रेलवे ट्रैक है, सो ऐसे नहीं मज़ा आता, जब ट्रेन जाती है ना तो बहुत मज़ा आता है, एकदम मन करता है कि ट्रेन के साथ आप रेस लगाओ, बहुत अच्छा लगता है ये जगह मेरे को। और अभी ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, ये आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं हम लोग, इसलिए ठंड जब तेज लगने लगी है, लेकिन फिर आधे घंटे में सूरज तो निकल ही जाएगा, फिर वापस से गर्मी स्टार्ट होने लगी, तो अभी ठंड को तो एंजॉय कर ले थोड़ा, बाद में पूरे रास्ते तो गर्मी मिलनी है, फिर सिटी के अंदर घुसने के बाद तो आपको तो पता ही है क्या होने वाला है। अच्छा होता गर्म एंड यहाँ रिफिल कराना चाहिए हमें, देखें पेट्रोल पंप कैसा है, ये तो नहीं, हम यहाँ नहीं भराएंगे, थोड़ा आगे देखते हैं कि बड़ा पेट्रोल पंप होगा तो वहाँ भराएंगे, नॉट हियर। तो बंजर है भाई, देखो इसे कहते बंजर पेट्रोल पंप, पेट्रोल 76.67, नाइस 500।
Okay guys, I have done around 80 kilometers from my home और ride में बहुत मज़ा आ रहा है. Actually ठंड अच्छी खासी है तो चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. और मेरे वाइज़र पे कितने मच्छर मरे मैं दिखाता हूँ आपको. तो गाइज ये हाल है अभी वाइज़र का. वाइज़र पे देखो कितनी सारी डेड बॉडीज है मच्छरों की. देखो अब बस यहाँ पे 5-10 मिनट का स्टॉप लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से. अभी वेदर बहुत अच्छा है, अभी जितना मैं ज़्यादा किलोमीटर्स कंप्लीट कर लूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे फिर गर्मी होगी. सो फटाफट से मेरे को जो पानी वानी पीना मैं पीता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से. लिविंग फ्रॉम द पेट्रोल पम्प. अच्छा 5-10 मिनट का ब्रेक हो गया, पानी वानी पी लिया मैं, 500 का फ्यूल भरवाया. गाइस 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए, फटाफट एकदम निकल गया 100 किलोमीटर्स, पता ही नहीं चला. और सेकंड टोल गेट हमारी जर्नी का, लास्ट टाइम कोलकाता जाने के टाइम मैं इधर ही रुका था. यस दिस इज द प्लेस. और ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ना, रोड्स बहुत ख़राब है यार. एक्चुअली अच्छा रोड जाते हैं फिर बहुत ख़राब पैच आ जाता है, और वो पैच की वजह से स्पीड एकदम स्लो हो जा रहा है. जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये रोड एकदम अच्छी है और अचानक से पैच आएगा, बहुत गंदा पैच आता है, उसकी वजह से पूरा स्लो होना पड़ता है. सो भद्रक पहुँच गए, 7:15 हुआ है अभी, एंड अभी तक ठंड कभी नहीं है. सो गाइज डन अराउंड 150 किलोमीटर्स, भद्रक क्रॉस हुआ है और बालेश्वर आने वाला आगे. बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी ठंड है, ठंड कमी नहीं अभी तक. और अभी बस ऐसे 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुका था मैं, थोड़ा पानी वानी पीना था मेरे को, पानी वानी पीऊँगा और एक दो चॉकलेट्स लेके आए वो खाऊँगा. थोड़ा ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, बस खा के अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से. हमारा थर्ड टोल गेट आ गया, बालेश्वर और 30 किलोमीटर है शायद, विद इन 30 किलोमीटर. खड़गपुर इज 136 किलोमीटर मोर. स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, बहुत स्लो हो गए हम, अभी स्टॉप भी थोड़ा ज़्यादा हो गया. और गाइस अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हो तो अपने साथ ट्राई करो, एक एनर्जी बार कैरी करो, नहीं तो चॉकलेट्स कैरी करो अपने साथ. सो जब कभी भी आपको थोड़ा सा भूख लगे तो साइड में रुको, फटाफट चॉकलेट निकालो खाओ, या एनर्जी बार जो भी है आपके पास निकालो खाओ, और फिर वापस चलते बनो. ब्रेकफास्ट मैं कहीं रुके किया नहीं अभी तक, सो अभी मैं स्नैक्स लूँगा थोड़ा. और गाइस व्यू देखो कितना अच्छा व्यू है, और रोड भी बहुत अच्छी बनाई हुई है. देख रहे हो ये रोड, देख रहे हो बहुत अच्छी बनाई हुई रोड है. वो जो पैचेस वाला प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है. सो कंटिन्यू करते हैं. अरे इंजन भाई, ट्रक के ऊपर इंजन, ये तो अलग चीज़ देखी भाई. हाँ ये बॉर्डर है. कोयले गिर रहे हैं भाई ट्रक से, ट्रक से कोयले गिर रहे हैं. फ्यूल भरवाया मैंने, यहाँ प्राइस ज़्यादा है कंपैरिजन उड़ीसा के हिसाब से, वेस्ट बंगाल में प्राइस ज़्यादा है. हमारे वहाँ पे अभी 78 है शायद, 77 या 78, यहाँ 80. कोई नहीं, वैरी तो करेगा स्टेट से स्टेट. और अप्रॉक्सीमेट 160 किलोमीटर्स है कोलकाता. टाइम 10:00 हुआ है, 300 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है. गाइस व्यू देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना. अभी खड़गपुर से थोड़ा आगे हूँ और
घर है अराउंड 120 किलोमीटर्स मोर. टाइम हो रहा है 10:50, 11 ओ क्लॉक बज रहे हैं, अराउंड 11 बज गए हैं. घर पहुँचते वक्त मेरे को लगता है 1 या 2 बजेगा. और व्यू देखो, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा ला रहा है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा रुका था स्नैक. अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. मैं पहुँच चुका हूँ कोला घाट, और ये एक पता नहीं कौन सा एक ब्रिज आया है, मेरे को नहीं पता कौन सा है, मगर अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए. तो पीछे एक बहुत बड़ी बोर्ड लगी थी, वहाँ पे लिखा था कोला घाट, और बस उतना ही लिखा था, तो ये कोला घाट ही है. अभी टाइम हुआ है 11:30 और हो गए हैं 400 किलोमीटर्स कंप्लीट. हम लोग यहाँ से लेंगे लेफ्ट फॉर कोलकाता. यस, लेफ्ट. कोलकाता ज़्यादा दूर नहीं. हम लोग ये लेफ्ट, ये जो टर्न है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है. देखो अच्छा खासा टर्न है ये. ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, ये देखो ये रही, यहाँ पे संतरा अच्छी है राइट साइड में. अभी हम लोग को स्ट्रेट स्ट्रेट ही जाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए. गाइज ये ब्रिज देखो, ये ब्रिज ना देखने लायक ब्रिज है, क्या बनाया है यार. मैं आपको एक अच्छा क्लियर व्यू देने का कोशिश करता हूँ किस. हाँ अब देखो बढ़िया बनाया है ना. वेलकम. यह ब्रिज अच्छा बना है, बस प्रॉब्लम एक है कि रोड्स अच्छी नहीं बनाए. उफ, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू मैन. इट्स अमेजिंग ये ब्रिज एंड द व्यू. चलो कोई नहीं, यही ब्रिज दिखाना था दिखा दिया, अब सीधा घर चल के बात करते हैं. और कुछ है नहीं, और शायद आगे विक्टोरिया मेमोरियल है, आई थिंक सो. मेरे को पता नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन शायद वही है. आ गया, खतरनाक जगह आ गया. ये वाले फ्लाईओवर कुछ समझ में ही नहीं आते कैसे कहाँ जाना है. मेरे को बता रहा है सीधा निकलना है, ये फ्लाईओवर जो कंटिन्यू करता है, लेफ्ट नहीं, मेरे को राइट जाना है. ये फ्लाईओवर में लाइफ गाइस, मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, इसी वाले फ्लाईओवर में मैं गलत टर्न ले लिया था, उसकी वजह से कितना घूमना पड़ा था. जो लोग रेगुलर आते जाते उन लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. आपको मैप्स में जूम इन करके देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता जाएगा कौन सा. फाइनली पहुंच गया मैं कोलकाता. अभी टाइम हुआ है 3 o'clock और मैं पहुंचा है यहाँ पे 1 p.m. को, और बहुत मज़ा आया इस राइड में. मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ. राइड बहुत अमेजिंग थी गाइस, खड़गपुर तक जो कि मैं 10 o'clock को पहुंचा था. ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी, और बहुत मज़ा आया राइड में. लास्ट टाइम कंपेयर करूँगा तो लास्ट टाइम रेनी सीज़न था, तो उस टाइम इतना मज़ा नहीं आया था, या उस टाइम प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई थी. लेकिन इस टाइम, इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और ठंड के टाइम तो यार राइडिंग का सीज़न ही है ठंड के टाइम राइड करना. सो ऐसे ही बहुत मज़ा आया. सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. विद दैट सेड गाइज़, बाय बाय.